Subscribe Mala Noon Kun Academy. Press the bell icon. Never miss a video from Hello Mala. Everyone. Welcome to Mala Noon Kun Academy. My name is Ehsan Ali. Today we are going to discuss about Class 11th Physics Chapter Number 1. That is Physical World. Dear student, aaj hame Class 11 Physics Chapter Number 1 Physical World ke baare mein padhna hai. डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इग्नोर करता है, इसको नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आईटी हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे नीड हो, तो इसलिए ये चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में. लेकिन ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बेसिक है फिजिक्स के, और बहुत ईजी है और छोटा भी है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे. आप लोगों को इस चैप्टर में आपको फिजिक्स क्या है इसके बारे में पढ़ना है, फिजिक्स के क्या स्कोप्स है, और इन दो साल में आपको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, और फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ना है. चलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से. एक्चुअली साइंस क्या होता है? साइंस ड्राइव हुआ था लैटिन वर्ड से. लैटिन वर्ड में साइंस को कहा जाते हैं सेंटिया. सेंटिया का मतलब होता है टू नो, किसी चीज़ के बारे में जानने को कहा जाता है साइंस. अगर इसका डिफिनेशन बोला जाएगा तो द ह्यूमन बीइंग नॉलेज गेन थ्रू एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन इज नोन एज साइंस. जब कोई भी इंसान जब इल्म हासिल कर देता है एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इसको कहा जाता है साइंस. चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, आपको किसी चीज के बारे में जानना है. चलो इसके बाद फिजिक्स. फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स एक्चुअली ड्राइव हुआ था ग्रीक वर्ड से. ग्रीक वर्ड में फिजिक्स को कहा जाता है फ्यूसिस. फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर. फिजिक्स मीन्स नेचर. हमें फिजिक्स में नेचर के बारे में स्टडी करना है. अगर इसकी डिफिनेशन बोला जाएगा तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. हमें नेचर के बारे में स्टडी करना है, नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करना है. एनसीईआरटी हमें बोलता है व्हाट इज फिजिक्स. फिजिक्स मींस नेचर. फिजिक्स में हमें स्टडी करना है किसके बारे में? नेचर के बारे में. मैथ्स इज ए टूल ऑफ फिजिक्स. डियर स्टूडेंट, अगर आप मैथ्स लेगा तो फिजिक्स आपको बहुत इजी होगा, क्योंकि मैथ्स एक टूल है फिजिक्स का. एक कहावत है फिजिक्स इज ए किंग ऑफ वर्ल्ड, मैथ्स इज द क्वीन ऑफ वर्ल्ड. अगर आपने मैथ्स नहीं लिया तो फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत हो सकता है. तो फिजिक्स का मतलब होता है लॉ दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड. फिजिक्स की मदद से हम इस फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर सकता है. फिजिक्स मींस लॉ ऑफ नेचर. फिजिक्स मींस लव फॉर मी. तो बहुत सारे स्टूडेंट साइंस सच है, गॉड सच है, इस पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंस और गॉड दोनों पैरेलल चल रहा है. डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स के दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. हर साइंटिस्ट ने अपने दिमाग में ये दो प्रिंसिपल रखा. प्रिंसिपल दो है. एक होता है यूनिफिकेशन. यूनिफिकेशन नाम से आपको पता चलता है. यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो डिफरेंट फिनोमिना जब फिजिक्स में डिफरेंट फिनोमिना जब बनता है तो उन सब को एक लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है. जैसा कि एप्पल्स गिरना, ये मून रिवॉल्व होना, पेंडुलम को स्विंग करना, ये सारे एक्सप्लेन कर देते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. उसी तरीके से फिजिक्स में जितना भी फिनोमिना बनता है, बहुत सारे फिनोमिना एक लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है. इसी को बोला जाता है यूनिफिकेशन. डियर स्टूडेंट, इसी तरह स्टीफन हॉकिंग ने एक बुक लिखा द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग.
उसने ये बोला कि यूनिवर्स की जितना भी डिफरेंस फिनोमिना को हम एक ही लॉ से समझ, एक ही थ्योरी से हम एक्सप्लेन करेंगे, एक लॉ से हम एक्सप्लेन करेंगे। लगभग उसके करीब पहुंच गया था स्टीफन हॉकिंग, जिसका नाम दिया उसने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज नॉट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है। डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रिंसिपल है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है? फिजिक्स में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के हम स्टडी कर देता है, इसको हम कहा जाता है रिडक्शनिज्म। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रोकिंग इन टू सिंपल पार्ट, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं फिजिक्स में उनको तोड़ के हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के हम स्टडी कर देता है, इसको बोला जाता है रिडक्शनिज्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप्स ऑफ फिजिक्स। स्कोप्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स क्या, फिजिक्स का क्या स्कोप्स है? इसमें हम दो हिस्सों में डिवाइड किया है, माइक्रोस्पिक एंड मैक्रोस्पिक। तो माइक्रोस्पिक में क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स होता है, जिसमें पुराने फिजिक्स होता है, जिसमें हमें डील करना है बड़े बड़े पार्टिकल के बीच में। और माइक्रोस्पिक में हमें छोटे पार्टिकल के बारे में स्टडी करना है, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। इसको बोला जाता है क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्टिक्स, ये सारे स्टडी करना है। और मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक हमें 11 में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स हमें 12 में पढ़ना है। और क्वांटम फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स के बारे में पढ़ना है। नेचर में चार फंडामेंटल फोर्स है। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे इसकी नेम के साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ, कितना रिलेटिव, इनके साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना सबसे हायस्ट है, रेंज देखेंगे, और ऑपरेटर अमाउंग किसके बीच में होता है ये। तो न्यूक्लियर फोर्स, सबसे पहला न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है नेचर में। अगर मान लिया इसका, हम मान लिया न्यूक्लियर फोर्स हमने 1 न्यूटन मान लिया, तो तकरीबन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उसकी रेंज जो होता है ये शॉर्ट रेंज तक होता है, 10^15। और ऑपरेटर कहाँ पे लगता है ये? दिस फोर्स बैंड सिर्फ ओनली एलिमेंट्री पार्टिकल पे लगता है, सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन रख, जो बैंड करके रखते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, इसमें कोई न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक कैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन पोषण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है, ये न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर रहता है। दूसरा फोर्स है हमारा है, दूसरा नंबर पे फोर्स आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा के लिए जो होता है चार्ज पार्टिकल के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है, और उसकी रेंज इन्फिनिटी तक होता है। और ये सबसे जो ये इसके बाद न्यूक्लियस के, अगर न्यूक्लियस की 1 न्यूटन फोर्स आएगा तो तकरीबन इसकी आएगा 10^2 इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ आएगा। मान ली इसको हमने 1 मान लिया, तो ये 10^2 थोड़ा इससे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा इस कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो 10^13 -13, इतना कम होता है इसको, वीक कमज़ोर होता है, सबसे वीक फोर्स है ये। और ये शॉर्ट रेंज होता है, और ये बीटा पार्टिकल ऑफ, बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस के अंदर पैदा होता है। बीटा पार्टिकल जो एंटी न्यूट्रिनो होते हैं उनके बीच में होता है ये, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे आप क्वांटम फिजिक्स का ये। और ग्रेविटेशनल फिजिक्स, और चौथा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे यूनिवर्स में वीकेस्ट फोर्स लगता है। लेकिन स्टूडेंट आपको ऐसा लगता है कि हमारे अर्थ और सन का मास बहुत ज़्यादा है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, वरना तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेचर में सबसे वीक फोर्स है ये, इसका रेंज इन्फिनिटी तक है। और ये तमाम यूनिवर्स के तमाम ऑब्जेक्ट में, यूनिवर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स की तमाम ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है।
Thanks for watching. For more updates, subscribe our channel, follow us on Instagram, like us on our Facebook and join WhatsApp. इसी तरह हम आपकी हेल्प करते रहेंगे. Till then, stay blessed, stay inspired. Love you all.